तो सबसे पहले देख लेते हैं केजन सीजनिंग के इंग्रेडिएंट्स। ये मेरे पास रखा हुआ है आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून कैन पेपर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून पार्मेजन चीज़, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स एंड 2 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। और ये हमारी केजन सीजनिंग बन जाएगी। और ये मेरे पास 2 ब्रेस्ट फिलेज है 250-250 ग्राम के। इसको हम अंदर रखेंगे अपनी क्लिंग शीट में और इसको इस तरह क्लोज करके तो इसको हैमर कर देंगे। आप समझे कि डबल इन साइज हो गया। इसी तरह करके हम अपना दूसरा भी हैमर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों फिलेस को मैंने कम्प्लीटली जो है वो हैमर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ये इस स्पाइस में अपना ऑयल डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो अपने दोनों चिकन के फिलेस को इस तरह उठा के मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर रब लगा दिया है। अब हम इसकी फिलिंग यानी इसकी स्टफिंग के ऊपर आएंगे। अब ये है हमारी फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स। ये है 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून गार्लिक और ये चॉप्ड ऑलिव्स, मतलब हम इनको पहले फ्राई कर लेंगे फिर चॉप करेंगे। ये है मेरे पास 30 ग्राम्स ऑलिव्स, 70 ग्राम्स मशरूम, 80 ग्राम्स चेडर और मोज़रेला चीज़ और 100 ग्राम्स ये पालक के पत्ते हैं। इनकी स्टॉक्स, इनकी डंडियाँ मैंने बिल्कुल रिमूव कर ली थी। तो अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। अब हम एक पैन में बटर लेंगे, और साथ ही अपना गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अब ये जैसे ही इसमें पूरा अच्छे तरीके से ये गार्लिक कुक हो गया, इसकी खुशबू आने लग जाएगी, तो हम अपना ये पालक डाल देंगे। और साथ ही अपने मशरूम्स और साथ ही अपने ऑलिव्स। अब इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह फाइनली चॉप कर लेंगे। फिलिंग को थोड़ा ठंडा होने दें ताकि आप अपना जब चेडर और मोज़रेला चीज़ इसमें मिक्स करें तो वो बिल्कुल पहले से ही मेल्ट ना हो जाए, बल्कि फ्राइंग के दौरान उसको हमने मेल्ट करना है। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें अपनी जो है वो ये फिलिंग और चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। और अच्छे तरीके से इस फिलिंग को हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारी ये मिक्सिंग बिल्कुल, इसकी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये मैंने मैरिनेटेड फिलेस इसी तरह क्लिंग रैप पे ले लिए हैं। अब हम अपनी जो है वो फिलिंग उठाएंगे और उसको इस तरह दबा के
जितनी हो सकती है अच्छी जेनरस अमाउंट में डालें और इस तरह क्लिंग रैप के कॉर्नर्स उठा के हम इस तरह इसको टर्न कर देंगे इस तरह, इसको अच्छे तरीके से हम बंद कर देंगे। और इस तरह दूसरे को भी कर लेंगे और हम इसको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये देख सकते हैं आप हमारे चिकन जो हमने फ्रिज में रखे थे, इसको आधा घंटा हो गया, उसको अब हमने निकाल दिए। ये मेरे पास रखे हुआ है मैदा हस्बे ज़रूरत इसको कोट करने के लिए, एक अंडा ये भी हस्बे ज़रूरत, आपको एक से दो लग सकते हैं तो ये भी कोट करने के लिए, और ये हैं सवैयाँ जिससे हम इसको कोट करेंगे। हम ब्रेड क्रम्स नहीं यूज़ करें, सवैयाँ यूज़ करें, इससे एक बहुत ही क्रंची टेक्सचर आएगा। तो अब हम अपना अंडा ले लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं। आराम से उठा के अपना एक हम ये सबसे पहले एक दफ़ा मैदे में कोट करेंगे, इस तरह उठा के अंडे में, और साथ ही इस सवैयों में। हर साइड से अच्छे तरीके से इसको हम कोट कर लेंगे। कहीं से आपको कोई ओपनिंग नज़र आ रही है तो आप प्लीज़ उसको साइड से क्लोज़ कर दें। अब आप देख सकते हैं कि एक पूरा जो है हमारा पोलो चिकन तैयार हो चुका है, केजन पोलो चिकन। अब हम इसी तरह अपना दूसरा भी कर लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे दोनों रोल्स जो हैं वो दोनों पोलो चिकन्स बिल्कुल रेडी हैं और अब हम इसको डीप फ्राइंग करेंगे। मैंने ऑयल पहले से ही प्री हीट कर लिया है, अच्छा टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा गर्म मत रखिएगा, फौरी कलर आ जाएगा, नॉर्मल ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। और इसको हम 15-20 मिनट्स के लिए बहुत आराम से इसको कुक करेंगे, क्योंकि ये अच्छा बड़ा फिले था और अंदर से हमें उसकी फिलिंग को भी मेल्ट करना है। अब ये देख सकते हैं हमारा ऑयल, अब इसमें हम आराम से अपने ये पोलो चिकन्स फ्राइंग के लिए डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर बहुत हाई होता तो ये बहुत शोर मचाता। और अपना अब टाइम नोट कर लेते हैं और बिल्कुल देख के हम लोग इसको 15-20 मिनट्स कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। बिल्कुल लो कर देंगे तो वो ऑयल बिल्कुल अब्सॉर्ब कर लेगा और वो बहुत ऑयली आपका चिकन बनेगा। अब जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है तब तक हम अपनी इसके साथ जो सर्व करेंगे सॉस उस पे आ जाते हैं। ये मेरे पास एक टेबलस्पून बटर रखा हुआ है, एक टीस्पून चॉप्ड गार्लिक या गार्लिक पेस्ट, ये है टैरागॉन, और ये बिल्कुल हाफ टी स्पून लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है,
और ये हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ से अब मतलब 3/4 कप मिल्क है और 100 ml क्रीम। अब हम अपने पैन में बटर डालेंगे। साथ ही अपना चॉप्ड गार्लिक, जैसे ही ये फ्राई होने लगे और इसकी खुशबू आए हम अपना हर्ब डाल देंगे। साथ में ही अपनी क्रीम, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि सॉस थिक है, इसलिए अब हम डालेंगे इसमें मिल्क। एक साथ सारा मत डाल दीजिए, थोड़ा सा इसको स्टर करके हाफ से 3/4 कप। और साथ अपना चिकन पाउडर, हमारी असॉर्टेड सॉटेड वेजिटेबल्स भी तैयार हैं, हमारी क्रीमी स्पिनच भी तैयार है, हमारी सॉस भी रेडी है, हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। ये थोड़ी सी और थिक होएगी जब आप इसकी जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे, तो ये पड़े पड़े भी थिक होती है। बिल्कुल गाढ़ी मत कर दें, बिल्कुल रनी नहीं, के बिल्कुल ऐसे दूध की तरह की फीलिंग आए, ये बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी पे आ चुकी है। अब 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं अपने चिकन को एक किचन टॉवल पे निकाल रही हूँ। अब इसका थोड़ा सा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए तो फिर मैं इसको आपको कट करके देख। आराम से हम लोग इस तरह के चंक्स में जो है वो राउंड सर्कल्स में करेंगे। और अब हम इसको अपने सर्विंग प्लेटर पे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल अंदर से कम्प्लीटली कुक है इस तरह। अपने आप सर्कल्स उठाएं। और साथ ही हम अपनी ये जो तैयार हमारी क्रीम्ड स्पिनच थी वो हम इसके साथ सर्व करेंगे। हमारी सॉटेड वेजिटेबल्स, और ये हम इसके ऊपर इस तरह करके ये सॉस ड्रिजल कर देंगे।
और यही है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।